गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में एक बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। ये डेफिनेटली आप वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अगर किचन में यूज़ कर रहे हैं या कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको वॉश नहीं कर पाएंगे आप। तो एक 5 इंच का मैंने इस तरह से ऊँचाई वाला बॉक्स ले लिया है, एक्स्ट्रा मैंने कट किया है। अब इसको वॉशेबल बनाने के लिए गाइस आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इस पर अच्छे से टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग से क्या होगा कि पानी पास नहीं होगा और ये ख़राब नहीं होगा, तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन जो भी आपके पास है उसको अच्छे से आप रैप कर सकते हैं इस पर, उसके बाद टेप लगा सकते हैं। तो इससे भी ये होगा कि ये इजीली वॉशेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंदर बाहर जहाँ पे भी आपको चारों तरफ इसमें इस तरह से वॉश करने के लिए आपको इस पर टेपिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ टेपिंग कर ली है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी पुरानी जीन्स आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी आप शर्ट यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं ये शर्ट का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये शर्ट है तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है और कटिंग कैसे करनी है कि इस बॉक्स के अंदर तक हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है पूरा नापने के बाद। तो इस तरह से नापिए, कट करिए कि 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर तक जाए, ऐसे देखिए। और फिर एक्स्ट्रा चारों तरफ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैंने एक क्लिप से मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, इस तरह से क्लिप से होल्ड करना है। और ये साइड में मैं दिखा रही हूँ कि साइड में किस तरह से हमें क्लिप लगानी है। तो यहाँ पे 2 क्लिप मैं इधर लगाऊंगी और 1 क्लिप मैं इधर लगाऊंगी, अच्छे से होल्ड हो जाएगा ये। अभी क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से मूव करना है अंदर की तरफ और 1 क्लिप और लगानी है। अब यहाँ देखिए साइड में ये तिकोना इस तरह से आपको बन जाएगा एक। तो इस तिकोने के पास से हमें इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इस स्टिचिंग लगानी है ऊपर तक। तो इस तरह से आप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, आप चाहो तो सिलाई मशीन से कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया है, यहाँ मैंने स्टिच कर दिया। अब ये चारों तरफ हम स्टिच करेंगे, चारों कोनों में। ये देखिए ये स्टिच करने, तो यहाँ गाइस सिलाई को बचाते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो चारों कोने में हमने इसमें स्टिचिंग की है, चारों कोनों को हम कट करेंगे लेकिन सिलाई को हम कट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी पीस था कपड़े का वो मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे वापस और इसको हम इसको पलट देंगे, इसकी स्टिचिंग जो है अंदर चली जाएगी इस तरीके से। अब एक बार इस पर हम अंदर की तरफ नाप के देखेंगे, ये हमारा ऊपर की तरफ नहीं बना है, ये हमारा अंदर की तरफ बना है, अंदर के कपड़े को हमने बनाया है इसका। तो इसको हम अच्छे से नाप के देख लेंगे ये प्रॉपर सही है, तो फिर हम इसमें ग्लू लगा करके इसको स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा छोड़ा था वो बॉक्स के बाहर तक आया है इस तरह से। अब हम इसकी ग्लू लगा करके इसको हम पूरा अच्छे से स्टिच कर दें, इसको फिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पे चाहो तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हो या फिर आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो अगर ग्लू गन नहीं है आपके पास तो। और पूरी चारों तरफ हम इसको इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ये ध्यान रखना है कि इस पर रिंकल्स नहीं आनी चाहिए, तो इसको खींच खींच के इस तरह से आप सेट कर लीजिए। बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, एक प्रॉपर हमने एकदम इसको सिला है तो इस वजह से ये अच्छे से सेट होगा अंदर। तो यहाँ पे गाइस जो एक्स्ट्रा पीस आपको दिख रहा है वो हम एक बराबर कर लेंगे, कपड़े को इक्वल कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा चारों तरफ निकला हुआ था उसको हमने कट कर लिया है और इस तरह से ये अंदर का पूरा रेडी हो गया है। अभी पीछे की तरफ मैंने दूसरा कपड़ा लगाना है और उसके लिए मैंने नीचे से इसको स्टिक कर दिया है पहले बॉटम को। अब इसके बराबर हम कपड़ा कट कर लेंगे, कपड़ा इतना कट करना है कि ये वाला ब्राउन वाले कपड़े के ऊपर तक हमें ले जाना है यहाँ तक, और इस तरह से इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे।
ये देखिए ऊपर करके इसको इस तरह से स्टिक करना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी पार्ट इसी तरह से स्टिक कर लेंगे। ये देखिए अब ये साइड में हमें इसको इस तरह से स्टिक कर लेना है साइड में। अब ये जो कॉर्नर बच रहा है इसको हम इस तरह से इन करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर करेंगे, पूरा अंदर करके इसको सेट करेंगे और ये सेट हो जाएगा अभी। और ये देखिए ये बन गया कॉर्नर, इसको हम यहीं पे स्टिक कर लेंगे और इस तरह से चारों कॉर्नर को हम बैठा लेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे गाइज मैंने इसको पूरी चारों तरफ से लगा लिया है। यहाँ पे मेरे पास रोप है तो रोप का जो सिरा है उसको हल्का सा ग्लू लगा के उसको पक्का कर लीजिए, क्योंकि वो खुलने का डर होगा उसमें। आपके पास रोप नहीं है तो पुराने जूते की लेस है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लास्टिक की रोप है या फिर जूते के लेस का यूज़ करें या फिर इस तरह का कुछ भी आपके पास है तो वो इसको यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं इस जॉइंट पर। तो इस तरह से जॉइंट पर लगाना है। आप चाहो तो ऊपर तक लगा दो, दो तीन लाइंस इसकी, या फिर एक दो सिंगल ही लगा दीजिए। ये कंप्लीट किया है मैंने, देखिए इसको साइड में लगा दिया है। यहाँ पे गाइस मैंने सेलो टेप ले रखा है और मैंने अगेन जो है इस तरह के पीस कट करके रखे हुए हैं कार्डबोर्ड के। इनको भी हम वाटरप्रूफ बनाने के लिए इन पर अच्छे से हम टेपिंग कर लेंगे चारों तरफ। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके के जो है हमें दो पीसेस बनाने हैं। तो ये दोनों को मैं कवर कर लूँगी कपड़े से वाटरप्रूफ करने के बाद। और इस तरह से मैंने कपड़े पे कवर कर लिया, अभी ये सूख जाएगा। और हम आप चाहो तो इसका इस्तेमाल विदाउट इसे ड्रॉर कर सकते हैं या फिर इसी तरह से एक साथ कर सकते हो। देखिए मैंने सिंगल लगाया है, आप चाहो तो डबल लगाइए और दो पार्ट कर दीजिए इसको इस तरीके से। अभी करना है कि इसमें हमें हैंडल लगाना है। हैंडल लगाने के लिए गाइस इस तरह की कोई भी आप पुरानी बच्चों की बेल्ट ले सकते हैं। इसको आप कट करके थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं पतला इसकी चौड़ान को। और यहाँ पे बेल्ट को मैं कपड़े में रैप कर रही हूँ तो इस तरह से कपड़े में हमें रैप कर लेनी है। जो भी आपके पास कपड़ा है आप चाहो तो लेस पे भी लगा सकते हो इस पर, लेकिन मैं लेस वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसीलिए प्लेन सिंपल ही इसको रख रही हूँ। और इसकी ये देखिए इस तरह से लगने के बाद इसकी साइड में हम यहाँ लगाएंगे। आप चाहो तो इसको दूसरा लुक देने के लिए एक साइड इधर और एक साइड इधर दो पीस लगा सकते हो हैंडल, लेकिन मैं ये साइड में लगा रही हूँ। तो इसको लगाने के लिए हम फिर से ग्लू का यूज़ करेंगे। ये देखिए इस थोड़ा सा नीचे तक ला करके हमें इसको सीधा रखना है। इसको थोड़ा देर होल्ड करना है और चाहो तो आप यहाँ पे क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं क्लिप लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरीके से दूसरा वाला कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर टेपिंग भी कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, निकले ना। तो इस तरह से टैपिंग दोनों जॉइंट पर कर दीजिए आप तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो गाइज ये बन के मेरा बॉक्स रेडी हो गया है। आप मैंने यहाँ पे एक फ्लावर लगा दिया है, मेरे पास फ्लावर था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो सिंगल ड्रॉर लगा करके आप डबल सिर्फ दो खाने इसमें रख सकते हो, बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो दोनों लगा करके इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी कुछ भी मत लगाओ और इसको ऐसे ही रहने दो। और देखने में आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, कहीं पे भी आप रखोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करके लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये
इसका इस्तेमाल आप मल्टी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इस तरह के अचार वगैरह के जार आप साइड में रख सकते हैं और बीच में स्पून है, फोक है, या फिर नाइफ़ है, ये सारी चीज़ें आप रख के डाइनिंग एरिया में रख सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें इस तरह से टिश्यू पेपर होल्डर बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। इसके अलावा आप चाहो तो अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, बच्चों के से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी रख सकते हैं, या बैंगल भी आप इसमें रख सकते हैं। बहुत तरीके से ये काम आ सकता है। आप चाहो तो सुई धागे की किट भी बना सकते हो इसको। तो गाइस इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, मल्टी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो एवरटीन का अगर मेंस्ट्रुअल कप ले रहे हैं तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, ये कि आपको 12 घंटे तक लीक प्रूफ प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि 12 घंटे तक आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप एवरटीन का इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 100% नेचुरल है, SLS एंड सोप फ्री है ये, आपको कोई हार्श नहीं करेगा ना ही कोई ड्राइनेस देगा। तो इस तरह की चीज़ें ही इंटीमेट वॉश के लिए आप यूज़ करें जिसमें आप सोप फ्री चीज़ हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।